नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बुधवार को अपनी बेटी गंगा दहल के साथ 4 दिन के दौरे पर भारत पहुंचे। प्रधानमंत्री के रूप में प्रचंड का ये चौथा भारतीय दौरा है। यात्रा के दौरान प्रचंड 1 जून को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हैदराबाद हाउस में नेपाल के पीएम के सम्मान में खास लंच भी आयोजित किया गया। इसके बाद प्रचंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वो नई दिल्ली में नेपाल भारत बिजनेस समिट को भी संबोधित करेंगे। प्रचंड भारत में मौजूद नेपाली समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। 3 जून को वो एक कार्यक्रम के लिए इंदौर जाएंगे। इसके बाद नेपाली पीएम के महाकाली की नगरी जाने की भी संभावना है। नेपाल के पीएम इससे पहले मई में भारत आने वाले थे, लेकिन कैबिनेट विस्तार के चलते उन्होंने यात्रा टाल दी थी। नेपाल में परंपरा है कि जो भी नेता वहाँ का प्रधानमंत्री बनता है वो अपनी विदेशी यात्राओं की शुरुआत भारत से ही करता है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।